अब तो यार दे हुआ है सामान तो उधर नहीं तुम बजाए भैया रास्ता खोल दो रास्ता का हजाम किए हो हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग स्वागत है इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के सरमत बताना चाहते हैं सूचनाएं दूर दूर से आते हैं और आना जाना लगा रहता है जीव जंतुओं को सुरक्षित पकड़कर पुनर्वास के लिए जिम्मेदारी से ऐसी जगह पर रिलीज करना जहां लोगों का आवागमन कम है और ये सुरक्षित बने रहे हैं। तो आज का रेस्क्यू कॉल आया ये ग्राम जसपुरापुर सरैया है ना सर जसपुरापुर। तो ये भैया इन्होंने फोन पर सूचना दी इनके यहाँ जो किराना की दुकान है इसमें कोई सर्प देखा गया है, सर पर इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा देखा गया है, अभी पहचान नहीं हो पाई है। तो सर पकड़ने से पहले उन भैया से आपका परिचय कराना चाहते हैं जिन्होंने एक जीव की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आ जाओ भैया एक बार अपना नाम पता बता दो कैमरे में। नाम संदीप, ग्राम नाथपुर, पोस्ट जेवा, जिला कन्नौज। तो इन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, यहाँ जितने लोग हैं सभी लोगों को दिल से सैल्यूट। एक सर को मारे नहीं और मारना अपराध है। तो कितनी देर हो गई भैया देखे थे? अभी 5 मिनट हुए देखे, पहले देखे थे लगभग 1 घंटा होने जा रहा है। तो ठीक है, वीडियो के साथ साथ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, देखते हैं सर्प कहाँ पर है, कौन सा सर्प है, सर्प रेस्क्यू कर और बताते हैं कुछ डिटेल्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा ये इनकी शॉप है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सामान जरूरत पड़ने पर सामान को भी बाहर करना पड़ेगा, तो वो सर्प को निकालेंगे। ठीक है, वीडियो के साथ साथ बने रहिए। देख सकते हैं बहुत ज्यादा गुस्से वाले इतना कहा था। फन नहीं फैलाई रे यार, पकड़ गई देखो फैलाई है, लोगों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी समझे। नांगीन है यहाँ देख रहे हैं आप लोग भैया, रास्ता थोड़ी खोल दो, रास्ता ना जाम कोई बात नहीं। ये सर अपने पेट के लिए चूहे हैं, मेंढक हैं, छिपकली है, इनको खाने के लिए हम जहाँ हम लोग निवास करते हैं वहीं अपना आसियाना बना लेते हैं, हम लोगों के साथ साथ ये भी निवास करते हैं। देख सकते हैं ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, हिंदी में इसको नाम गेहुअन और बिहार में इसको पलटू के नाम से जानते हैं क्योंकि ये पलटने में बहुत माहिर है। तो ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा इन भैया की जागरूकता सूझबूझ काम आई, ये उस सर को मारे नहीं। अब तो यार दे हुआ है सामान तो उधर नहीं तुम बजाए भैया, रास्ता खोल दो रास्ता का हजाम किए हो, साइड में हो जाओ इधर आ जाओ। ले
पकड़ ले भाजी के काय ढाड़ है आम तो पकड़ो यार शांत रहो एक मिनट भैया। तो आप लोगों ने देखा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है और सर पे अपने पेट के लिए हर जगह आ जाया करते हैं, खतरे की स्थिति लगातार संभावनाएं बनी रहे। आज देखो चोरिया आप लोग जब भी रात्रि के समय अंधेरे में आवागमन करें तो रोशनी का होना बहुत जरूरी है। सर जब तक कोई नहीं काटता है पैर नहीं पड़ता है और ये बचाव के लिए काटते हैं ना, सर बीन पे नाचते हैं ना बदला लेते हैं। बदले की भावना इंसानों में होती है, सर्पों में नहीं होती है। और सर पे एक बूंद दूध पी लेगा तो मर जाएगा। ये जो सपेरा होते हैं ये झूठ बोलकर अंधविश्वास फैलाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ठीक है, इसको परेशान नहीं करना चाहेंगे, लेके चलते हैं जंगल में, अभी रिलीज कर देंगे। चल रहे चल रहे जा ही रहे। ये डब्बा किसका है? ले ले लिखा है चॉकलेट। आप लोग इस वीडियो को देखकर काफी बिल्कुल न करें, हमारा जो यूट्यूब चैनल है आरके सर्प मित्र, आप लोग जानकारी के लिए चैनल को देखा करें। और सभी भी कोई प्राणी या सर्प आप लोगों को मिले आप लोग उसे बिल्कुल न मारें, मारना अपराध है। आप लोग जो हमसे संपर्क कर सूचित करें, हम जीव जंतुओं को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ने का काम करते हैं। और इन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एक सर की जान बचाने के लिए। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे, कभी भी जीव जंतुओं को बिल्कुल न मारे। एक बार सभी को दिखा दो भैया, सूजा दे दो, सूजा सूजा दे हुआ संदीप, सूजा दे दे आती है। तो ठीक है, लेकर चलते हैं पुनर्वास के लिए जंगल में, अभी रिलीज कर देंगे। तो आप लोग कभी भी बेजुबानों को बिल्कुल ना मारें, ये अपना दर्द बयां नहीं कर सकते और इनको मारना अपराध है। इन्हीं से हम लोग जीवित हैं, पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखने के लिए सर्पों का रहना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी जागरूक हो, प्रेरित हो, वीडियो इसीलिए बनाते हैं, वीडियो को देखकर आप लोग जागरूक होइएगा, अंधविश्वास में बिल्कुल ना रहो। ठीक है, इन सब बातों के साथ वीडियो को एंड करते हैं, लेते हैं अलविदा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धीरे धीरे इस वातावरण में विलुप्त हो गई।